Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, the storms we're chasing. अल्लाह हेलो एवरीवन कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं देने वाली हूँ होम टूर आ, तो हम यहाँ टू बी एच के रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं दुबई में ऑलमोस्ट फोर ईयर्स हो गए हमें दुबई में बट ये घर लेकर हमें आठ से नौ महीना हुआ है बट मैंने होम टूर अभी तक नहीं दिया तो मैंने अब दे देते हैं तो चलिए दिखाती हूँ घर कैसा है यहाँ पर तो ये है आ, मेरे फ्लैट का मेन गेट और यहाँ पर कुछ पानी की बॉटल्स हैं और तो चलते हैं अंदर तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना आपको दिखता है सामने में किचन और किचन बहुत छोटा सा है और ये सामने में थोड़ा सा एंट्री वे है इस तरह से एक मिनट में बताती हूँ आपको अंदर जाकर पहले दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और यहाँ सामने में मैंने लगाया है डोर के पास बहुत छोटा थो सा स्पेस था तो उसे मैंने की होल्डर मैंने लगा दिया है वहाँ पर और यहाँ पे ना दुबई के अपार्टमेंट में ज़्यादातर आपको इस तरह से ना वाईफाई का जो भी कनेक्शन वगैरह दिया जाता है इंटरनेट का लैंडलाइन का ये ऐसा वॉल के अंदर फिटेड रहता है तो ऑर्गेनाइज दिखता है और थोड़ा सा स्पेस था यहाँ पर मतलब बहुत थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने शू रैक रखा है और मास्क वगैरह यहीं पर रखती हूँ जब जाती हूँ बाहर तो ईजी हो जाता है लेके जाना और देखिए वह छोटा सा स्पेस में शूर है कि यहाँ पर फिट आ गया है और ये वॉल फिटेड ही है नीचे से कोई लिंक नहीं है नीचे क्लियर है स्पेस और उसके साथ साथ ही मैंने रखा है यहाँ पे अनियन पटेटो का छोटा मतलब छोटा सा ट्रोली है क्योंकि किचन में बहुत छोटा जगह है तो वहाँ पर नहीं रख सकती थी तो थोड़ा सा स्पेस था यहाँ पर तो उसे मैंने यूटिलाइज़ किया और ये जो एंट्री वे है ना उसमें यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस था तो एज अ पैंट्री मैंने ये यूज़ किया है ताकि अगर किचन में दा सामान ना हो रखने के लिए जगह तो मैं यहाँ पे ये यह लगा कर यूज़ कर सकूँ तो ये मैंने आई से लिया था एक्चुअली दो है ये बट जोड़ के हमने रखा है ना तो आपको बड़ा सा दिख रहा है तो दो इस तरह से हमने लगाया है और इस तरह से कुछ डेकोरेट किया है इस एंट्री वे को मतलब गेस्ट वगैरह भी घर में आएंगे तो पहले आप उनकी नज़र यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ दिस इज़ अस आर स्टोरी आर लाइफ आर होप और वेलकम का साइन है ऊपर में इस तरह से जो काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहा है एंट्री वे पर और कुछ कैंडल्स वगैरह जलाए मैंने यहाँ पर तो यहाँ से ना किचन का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है तो बहुत छोटा सा किचन है आप देख सकते हो बट पैंट्री लगाने की वजह से बहुत आराम हो गया मतलब पता नहीं चलता है सारा सामान जो एक्स्ट्रा होता है वहाँ पे रख देते हैं कांच के बर्तन वगैरह जो भी है ना मैंने पैंट्री में रख दिया है और यहाँ पर किचन में मैं थोड़ा दिखाती हूँ आपको तो यह है फ्रिज यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है मैंने और यहाँ पर डिश रैक है यहाँ पे ऑयल स्पैटुलर्स ऑयल स्प्रेज वगैरह जो भी है सब मैंने इकट्ठे यहाँ पे रखा है स्पूंस वगैरह और यहाँ पे कप होल्डर है डिश रैक है और यहाँ पे कुछ रोज़ यूज़ होने वाले सामान जो मैं नीचे रखती हूँ तो यहाँ पर है कुछ खाने पीने का सामान और यहाँ पर इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है छोटा सा प्लांट लगाया है और फ्रिज का जो साइड का हिस्सा है उस तरह से मैंने यूज़ किया है तो ओवरऑल ऐसा दिखता है किचन और अभी ये है क्वीन ऑफ द किचन मैं सारा खाना वाना ना एयर फ्रायर में ही बना लेती हूँ तो बहुत इजी हो गया लाइफ एयर फ्रायर लेकर और ये ओपन किचन है इसलिए यहाँ से ना क्लियरली व्यू दिखता है लिविंग रूम का खाना भी बना रही होती हूँ तो बच्चों पे नज़र रखना इजी हो जाता है और ठीक यहाँ पे किचन के ऑपोजिट में ही बाथरूम है और ये फुल बाथरूम है नॉर्मली जो लिविंग रूम में बाथरूम होता है ना अपार्टमेंट्स में वो हाफ बाथरूम होता है नहाने का स्पेस नहीं होता मतलब लिविंग रूम में जो बाथरूम होता है बट यहाँ पे लिविंग रूम के बाथरूम में भी नहाने का स्पेस दिया गया है वॉक इन शावर है ये अंदर जाके इस तरह से नहा सकते हो और अच्छी बात ये है कि यहाँ बाहर में गीला नहीं होता है अंदर जाके नहाने की वजह से ना ये एरिया हमेशा ड्राई रहता है जो गीला होना था होना होता है अंदर ही होता है तो बाथरूम हमेशा ड्राई रहता है और यहाँ पर मिरर लगा हुआ है सिंक है तो प्रॉपर फुल एक बाथरूम दिया गया है लिविंग रूम में भी और यहाँ स्टोरेज के लिए भी स्पेस है तो मैं यहाँ पे क्लिनजिंग का जो सामान होता है डिटर्जेंट डिटॉल ये सब मैं यहाँ पे रख देती हूँ और यहाँ से आप आओगे तो यहाँ से है लिविंग रूम का व्यू जो कुछ इस तरह से दिखता है तो ग्रे एंड वाइट बेस है लिविंग रूम का और यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल लगाया है तो ये मैंने मैच किया है ग्रे कलर का मैंने यहाँ प्लेस मैट लगाया है और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन है ये लीना ने अपने हाथों से बनाया था फोटो पेंटिंग वगैरह और इस तरह से मैंने सजाया है फ्लावर्स से इसे तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं है सिंपल ही रखा है मैंने और लिविंग रूम को बहुत ज़्यादा सामान से नहीं भरा है और सिंपल में ही अच्छा लग रहा है तो जैसे कि मैंने बताया ये ग्रे एंड वाइट है मतलब मेन कलर जो है लिविंग रूम लिविंग रूम का ग्रे एंड वाइट है तो ज़्यादा फर्नीचर वाइट कलर के मिलेंगे आपको और इस तरह से मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में जगह खिल उठता है और ये सेंटर टेबल भी मैंने आईकिया से लिया था मोस्टली फर्नीचर्स आइकिया के ही है और ये कॉर्नर स्पेस भी मैंने क्रिएट किया है इस तरह से यहाँ पर साइड टेबल छोटा सा लगाया है और कोजी सा कॉर्नर स्पेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे और ये कटन्स वगैरह भी मैंने आई से लिया था और ये लाइट जो आप देख रहे हो ना ये इनबिल्ट था मतलब जो हम आए थे अपार्टमेंट में तो पहले से ही लगा हुआ था मतलब ओनर लगा कर ही देते हैं आप इसे रिमूव भी नहीं कर सकते तो इस तरह से मैंने छोड़ दिया है और ये पेंटिंग भी मैंने आई से लिया था साथ में जो फ्रेम है वो भी मैंने आई से लिया था तो ये आईफिल टावर का पेंटिंग है और साथ में एक मोनूमेंट है तो कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पर आप खड़े होते हो तो किचन और ये टी वी शेल्फ भी मैंने आई से लिया था टी वी यूनिट पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे तो सिंपल सट एक शेल्फ लगा लिया हमने और एक मून चेयर लगाया है और लॉन्ड्री बैग मैं यहाँ पर रखती हूँ मैं भी बताऊँगी आपको रीज़न क्या है यहाँ रखने का और यहाँ पर वाटर डिस्पेंसर है यहाँ पर मतलब इसमें ठंडा गर्म पानी सब आता है और एक्चुअली ना यहाँ पे मैं रखती हूँ लॉन्ड्री बैग क्योंकि किचन में ही इस तरह से वॉशिंग मशीन रहते हैं अपार्टमेंट में ज़्यादातर दुबई के अपार्टमेंट में ना आपको किचन में ही वॉशिंग मशीन मिलेंगे तो मुझे बहुत इजी हो जाता है यहाँ से कपड़े धोना मैं खाना भी बना रही होती हूँ तो यहाँ से कपड़े वपड़े धोना मुझे बहुत इजी हो जाता है लेकर तो इसलिए मैं लिविंग रूम में रखती हूँ और यहाँ पर हमने लगाया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चूल्हा है हमारे पास क्योंकि इस बिल्डिंग में ना अलाउड नहीं था गैस वाला मतलब गैस अलाउड नहीं है तो इसलिए इलेक्ट्रिक चूल्हा ही आप ले सकते हो और किसी किसी बिल्डिंग में दुबई में गैस का पाइपलाइन भी होता है पाइप के थ्रू गैस जाता है फिर उसका बिल आता है मतलब सप्लाई गैस पाइप से ही हो जाता है फिर बिल बिल पे करना पड़ता है आपको उसके लिए तो ये है हमारा किचन और ये ओवरऑल जो व्यू है लिविंग रूम का इस तरह से है और ये सेंटर टेबल भी मैंने आई से लिया था वाइट कलर का रग भी मैंने आई से लिया था और यहाँ से लिविंग रूम का एक्सेस है आई मीन बालकनी का एक्सेस है लिविंग रूम से मतलब बालकनी का एक्सेस लिविंग रूम से भी है बेडरूम से भी है दोनों जगह से ही आप जा सकते हो और यहाँ पर छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट है कभी शाम को बैठ के चाय कॉफ़ी पीना हुआ ना तो हम यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं इस तरह से छोटा सा टेबल लगाया है मैंने यहाँ पे तो यहाँ पे भी छोटा सा कोजी सा स्पेस क्रिएट हो गया है और व्यू कुछ इस तरह से है यहाँ का सामने एक बिल्डिंग है और बहुत सिंपल सा बालकनी है मैंने कुछ भी नहीं किया ज़्यादा पेड़ पौधे मैंने नहीं लगाए एक लौथा प्लांट है मेरा जो आजकल रोज़ फ्लावर्स दे रहा है गर्मियों में और जब से मैं दुबई में आई हूँ ना मेरे साथ है ये छोटा सा लाई थी इतना बड़ा सा हो गया है और अच्छे से ग्रो कर रहा है दुबई की गर्मी को भी झेल पा रहा है बेचारा और यहाँ पर मैंने ड्रायर रखा है जब कपड़े सूख जाते हैं ना तो मैं ड्रायर मोड़ कर वहाँ रख देती हूँ ताकि बच्चों के लिए स्पेस क्रिएट हो जाए खेलने के लिए तो चलते हैं बेडरूम में बेडरूम दिखाती हूँ आपको बेडरूम में अंदर से दिखाती हूँ तो यहाँ से कुछ किचन इस तरह से दिखता है और यहाँ पर ना छोटा सा पैसेज है इस तरह से अंदर जाने के लिए और वहाँ जो वॉल काफ़ी ब्लैंक लग रहा था मुझे तो ये वॉल पे मैंने मिरर लगा दिया है उसके ऊपर थोड़ा सा आर्टिफिशियल प्लांट इस तरह से लगा दिया है तो काफ़ी अच्छा और लाइवली लग रहा है ये जगह और ठीक इस तरफ है अलना का बेडरूम जो बहुत छोटा सा है बट हमने स्पेस को कोशिश की है कि अच्छे से यूटिलाइज कर सके तो यहाँ पर एंट्रेंस पर ना मैंने मीशू का स्कर्ट लगा दिया है जो मीशू नहीं पहनती है छोटा हो गया था तो इस तरह से दिखता है अलीना का बेडरूम और ये कैनोपी लगाया है कॉर्नर में बहुत शौक था अलना को कैनोपी का तो यहाँ पे कैनोपी लगा दिया है और कुछ स्टिकर्स वगैरह मैंने ये है ना अमेजॉन सॉरी हाँ अमेज़न से लिया था मैंने और कुछ शीन से भी मंगाए थे और ये आइस भी अमेज़ॉन से लिया है तो स्टिकर्स वगैरह लगाने से ना थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है बच्चों का बेडरूम दिखने में अच्छा लगता है तो थो थोड़ा ब्राइट एंड कलरफुल लगता है और ये भी रग मैंने आईके से लिया था और ये वाड्रूप भी मैंने आईके से लिया था क्योंकि यहाँ पे कोई बिल्टिन वाड्रूप नहीं है हम बेडरूम मास्टर बेडरूम है बट इस बेडरूम में नहीं था तो हमें खरीदना पड़ा अलीना के लिए और यहाँ पर जो व्यू है कुछ इस तरह से दिखता है अलीना के बेडरूम से और यहाँ पर हस्बैंड बैठते हैं क्योंकि अलीना तो आधा दिन स्कूल में रहती है और बेडरूम में बैठे तो मीशू फिर सो रही होती है ना तो डिस्टर्ब हो जाती है ये बात बात कर रहे होते ऑफिस का कॉल्स वगैरह अटेंड कर रहे होते हो तो इसलिए वो अलीना के बेडरूम में ही बैठ जाते हैं इस तरह से मॉनिटर वगैरह रखा हुआ है इनका यहाँ पर तो कुछ इस तरह से दिखता है अलना का बेडरूम और यहाँ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है और यहाँ पर अलि ने कुछ पेंटिंग वगैरह किया है उसे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है तो उसने कुछ लिखा है टाइम स्पेंट विद फैमिलीज़ एवरी सेकेंड तो इस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट वो करती रहती है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सजा दिया इसे और ये चेस्ट ऑफ़ ड्रॉर्स है तो इसमें टॉयज़ वगैरह रहता है अलना के यहाँ पे टॉयज़ रखती है और जो ऊपर का ड्रॉर है उसमें मैं मिशू के कपड़े मसलिन क्लोथ ब्लैंकेट ये सब रख देती हूँ तो ये हो गया अलीना का बेडरूम अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ तो मास्टर बेडरूम में जाने से पहले आता है बाथरूम जो अटैच्ड है मतलब बेडरूम के साथ ही है तो मैंने दरवाज़ा खोल कर ही रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए देखिए इस तरह से दिखता है कुछ यहाँ स्टोरेज के लिए काफ़ी स्पेस है मतलब ये सिंक एरिया है बड़ा सा मिरर है और कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे दुबई में ज़्यादातर आपको मतलब बाथ कब ना फिटेड रहते ही रहते हैं मिलते हैं फ्लैट्स वगैरह फ्लैट्स में और यहाँ पे शैम्पू के लिए जगह कम पड़ रहा था रखने के लिए तो मैंने यहाँ सक्शन कप लगाया है स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह है बट शैम्पू के लिए जगह बहुत कम पड़ रहा था तो ये कप ये सक्शन कप भी मैंने आई से लिया था तो काफ़ी शैम्पूज वगैरह रख पा रही हूँ यहाँ पर अभी तो ओवरऑल इस तरह से दिखता है बाथरूम हैंग किया है साइड में और यहाँ पर ना स्टोरेज के लिए स्पेस है तो यहाँ पर हारपेक वगैरह जो भी क्लीनजिंग क्लीनजिंग का प्रोडक्ट है ना यहाँ पे मैं रख देती हूँ और नीचे में भी ड्रॉर्स है इस तरह से छोटे छोटे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान जो होता है टूथब्रश टूथपेस्ट शेवर ये सब है हस्बैंड का और शावर कैप ये सब है और इस तरह फिर ड्रायर और कैंडल स्क्रबर जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होता है ना मैं यहाँ पर रख देती हूँ तो इस तरह से ऑर्गेनाइज भी रहता है और सारा सामान बाथरूम का इकट्ठे मिल जाता है तो ये हो गया बाथरूम जो कुछ ऐसा दिखता है अब चलते हैं बेडरूम की तरफ तो यहाँ है बेडरूम और ठीक बाथरूम के ऑपोजिट में यहाँ बिल्ट इन वार्ड्रोब है आ, मतलब हाई वार्ड्रोब है इस तरह से सीलिंग से लगा हुआ थ्री डोर वार्ड्रोब है और यहाँ पर है ड्रेसर एक्चुअली ये ड्रेसर भी है स्टडी टेबल भी है मैं दिखाऊंगी अभी आपको और यहाँ पर मैं कॉर्नर में ना इस तरह से मैंने थोड़ा सा सजाया है फ्लावर्स से और यहाँ पे मेकअप ऑर्गेनाइज़र वगैरह मैंने रखा हुआ है तो कुछ कोम वगैरह सब इकट्ठे रखा हुआ है इस तरह से तो ऑर्गेनाइज रहता है एक ही जगह पे और ये मिरर भी मैंने आई से लिया था और दूर से आपको ये सिंगल टेबल दिख रहा होगा ड्रेसर जैसा दिख रहा होगा बट एक्चुअली दो है ये देखिए सामने आने से पता चलता है ये एक छोटा सा एक स्टडी टेबल है जहाँ पर मैं अलना बैठ के पढ़ाई करती है या मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ और इस तरफ ड्रेसर है तो मैंने दोनों को जोड़ कर लगा दिया है तो एक लंबा लुक दे रहा है ऐसा वहाँ से वहाँ तक और स्पेस जो है अच्छे से यूटिलाइज हो गया है और यहाँ पर कर्टेंस है जो जो ब्लू वाला कर्टन् मैंने लुलू से लिया था वाइट कर्टेंस मैंने आईके आई से लिया है और ये बेड के ऊपर और ये कुछ बेड इस तरह से दिखता है मिक्स एंड मैच करके मैंने कुशंस लगाए है मुझे अच्छा लगता है इस तरह से और इसके ऊपर शेल्फ है और शेल्फ के ऊपर कुछ डेकोरेशंस है जो जिस जिस वजह से ना बेडरूम काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइवली लग रहा है और कॉर्नर में मैंने प्लांट हैंग किया है छोटा सा तो ओवरऑल कुछ इस तरह से दिखता है बेडरूम और यहाँ पे मेशू का करीब है और कॉर्नर में मैंने एक बास लगाया है और इसमें थोड़ा सा फ्लावर्स डेकोरेट किया है और कॉर्नर में एक और ये कैंडल होल्डर है एक्चुअली जिसमें मैंने कैंडल नहीं नहीं डाला है अभी और तो या यही है ओवरऑल बेडरूम का लुक और यहाँ से बालकनी का एक्सेस है तो आप यहाँ से बालकनी में जा सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है इस अपार्टमेंट की आप दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हो लिविंग रूम से भी बेडरूम से भी तो यहाँ से इस तरह से दिखता है और यहाँ पर ना जो काम का सामान नहीं होता है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो एज आ स्टोरेज ये बॉक्स हम यूज़ करते हैं जो भी काम का सामान नहीं यहाँ रख देते हैं और ये मैंने लिया था पुराने घर में ओवर द कोमोड शेल्फ है शैम्पूस टावल्स ये सब रखने के लिए मैंने लिया था वहाँ पे स्टोरेज के लिए ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं था बट यहाँ पे काफ़ी स्पेस है तो मैंने बैलकनी में रखवा दिया है क्योंकि बिल्कुल नया था मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा था तो यहाँ पर रखवा दिया मैंने तो यही था मेरा होम टूर और मैंने बहुत सिंपल रखा है बहुत सारा सामान से बहुत सारा स्टफ से घर को नहीं भरा है क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट है कभी भी आपको मूव करना हो सकता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है बहुत सारा सामान लेके यहाँ वहाँ करना तो जितना सिंपल मैं रख सकती थी मैंने उतना सिंपल रखा है और आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल है तो बस यही था हमारा होम टूर यहाँ हो गया लिविंग रूम और इस तरफ है किचन और इस तरफ एंट्री वे होप आप लोगों को अच्छा लगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जो मेरे पुराने चैनल के व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा घर उन्होंने देखा ही होगा बट जो नए सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए नया होगा तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो फिर ठीक है आ, मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में अपना ख्याल रखें स्टे सेफ बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़